क्या पीजे चामी तैयार है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चैंपियन को हराने के लिए? वो चैंपियन जिसका जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो भाई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसके पास मेगा इवोल्यूशन है, लेजेंडरी पोकेमोन है एंड लेजेंडरी प्लस मेगा इवोल्यूशन है, मतलब लेजेंडरी है वो मेगा इवॉल्व भी हो सकता है एंड उसके पास एक और मेगा इवोल्यूशन है और पता नहीं और कौन से पोकेमोन है वो मेरे को नहीं पता, बट हाँ ये दो तो फिक्स रहते हैं भाई उसकी, एक लेजेंडरी मेगा है और एक नॉर्मल मेगा है देख रहे हो दो मेगा तो ऐसे ही है उसके पास भाई, यूजुअली एक बैटल में एक ही मेगा इवोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, बट ये चैंपियन काफ़ी खतरनाक है, एक बैटल में दो मेगा इवोल्यूशन इसकी फिक्स है भाई, ये यूज़ करने वाली है, ऐसा आप लोगों ने मेरे को कमेंट करके बताया तो थैंक्स अ लॉट आप सभी को। एंड ये चैंपियन बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है भाई, मतलब सब लोग इसको जानते होंगे भाई, जितना मैं पॉपुलर नहीं हूँ जितने पीजे चामी मेरे को नहीं जानते होंगे उतना तो सब लोग इसको जानते होंगे, मतलब पीजे चामी का ऐसा कोई मेंबर होगा जो मेरे को भी नहीं जानता होगा हालांकि वो पीजे चामी का मेंबर है बट फिर भी मेरे को नहीं जानता होगा, बट वो बंदा भी इस चैंपियन को जरूर से जानता होगा जिसकी बात मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ, बट मैं उसका चेहरा आप लोग को नहीं दिखाऊंगा और ना ही मैं बताऊंगा, आप लोगों को बता दूंगा ना तो आप लोग बहुत खतरनाक हो भाई, उसको ताड़ते बैठ जाओगे भाई, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है या वो चैंपियन है, उसके पास खतरनाक से खतरनाक पोकेमोन है, लेजेंडरी पोकेमोन है, उसके नॉर्मल पोकेमोन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्या बोलूँ भाई उसकी तारीफ़ के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब उसकी तारीफ़ के लिए सब नहीं मेरे पास, उसको सब जानते हैं भाई लिटरली बता रहा हूँ सब जानते, रुको भी आप बस बस दिखने वाली है, बस एक झलक देखने के लिए इतना मत तड़पो यार, आप लोग ने देखा है उसको, वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा जिन्होंने पिछला एपिसोड एंड तक देखा होगा भाई उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो उनको अभी पता चलने वाला है, कोई बात नहीं वैसे काफ़ी कम लोग देखते हैं एंड तक, बट ठीक है जिन्होंने देखा उनका फ़ायदा, जिन्होंने नहीं देखा वो फिर अभी देख लेंगे क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता वैसे, ये देखो इसकी बात कर रहा था मैं, द मोस्ट पावरफुल चैम्पियन ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, बट ऐसा क्यों नहीं बोलते पता है, बिकॉज सभी के सभी चैम्पियन अभी तक रिवील नहीं हुए और जो भी रिवील हुए भाई उनके साथ इसका बैटल नहीं हुआ, मतलब ये है सिंथिया, सिंथिया का बैटल सभी चैंपियंस के साथ नहीं हुआ तो ऐसा बोलेंगे मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज उसने अब तक सबको हराया नहीं, बट उसकी पावर लेवल देख के ऐसा लगता है कि वो मतलब हरा सकती है सबको, बट ऐसा फिक्स नहीं हो सकता भाई, ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए इसको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चैंपियन बोल सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा पावरफुल यही नहीं है इसके, ये उसमें से एक है बट ये नहीं है, समझ रहे हो, पॉसिबिलिटी वाला खेल है भाई, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल चैंपियन हो सकती है बट अभी करेंटली है नहीं भाई, बन भी सकती है बट बनी नहीं है, ऐसा ही है समझ रहे हो। ओके अभी मैं कुछ यहाँ पे भाई कुछ समझाने के चक्कर में नहीं हूँ आप लोग को, आज मैं सिर्फ फुल बैटल करने के मूड में हूँ, बिकॉज इसको हराने के बाद मैं बन जाऊँगा फाइनल एंड रियल वाला चैंपियन इस गेम का, ऑलरेडी अपन लोग एक बार लीग को हरा चुके बट वो लीग भाई छोटे मोटी लीग थी, वहाँ पे इतने खतरनाक लेवल की बड़ी चैंपियन नहीं थी, तो ये है बड़ी चैंपियन मस्त वाली, अब इसको हरा के अपन बनेंगे बड़े वाले चैंपियन, समझ लो लेट्स गो गाइस, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है सिंथिया से बैटल करने में एंड आप सभी लोग भाई एक्साइटेड हो मेरे को पता है, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, चलो बतिया तो भाई कुछ समझ में नहीं आने वाली भाई, क्या कर सकते, बतिया छोड़ दो, ओके बैटलमा करते भाई, बैटलमा में इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना भाई आज की, सब के सब भाई खुश हो जाएंगे, अरे वाह एटीट्यूड क्वीन सिंथिया अपने एटीट्यूड में बालिक, इधर से गिरा के उधर से एक आँख दिखा के कमरिया पे हाथ रख के बैटल करने आ गई है, अरे भैया पहला ही पोकेमोन मेगा रेक्यूजा, व्हाट द हेल मैन, ये क्या है, ऐसा थोड़ी होता है, मेरी तो लगने वाली है वाट, सच बता रहा हूँ, सेल्स मैच कर रहा है बंदा भाई, बहुत ज़्यादा पागलपंदी कर रहा है भाई, ये अपने स्पेशल डिफेंस अटैक स्पेशल अटैक स्पीड, व्हाट द हेल मैन, सब बना लिया इसने, स्पीड अटैक डिफेंस स्पेशल अटैक, वाह 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 वाह, मेरे को ना अपनी दादी अम्मा याद आ जाएगी भाई इसके चक्कर में, तो मेरे को तो लगता है ना अब मेरा कहानी खत्म है, गार्चम भैया इसको संभाल लियो यार, एक ड्रैगन को एक असली ड्रैगन अरे यार मेरे को पहले ही गार्चम रखना चाहिए था, फेंट मत होना प्लीज़ प्लीज़ बड़ी, नेवर गिव अप नेवर गिव अप बड़ी, तू संजू भाई का पोखे ने मैं सत्यानाश हो गया भाई, अब रेकोसा को हराना बहुत मुश्किल है, उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली भाई और उसकी स्पीड पहले से औसम है भाई, समझ रहे हो इतना भयंकर है ना भाई रेकोसा, मेगा रेकोसा मतलब ये तो मेगा रेकोसा भाई, रेकोसा ब्लिजर्ड अरे सब ऐसे ये सबको वन हिट कर देगा भाई, ये जितने के चांसेस कम लग रहे मेरे को अभी, बज्जा हराम खोर, सब गए ले भाई, सब के सब गए ले, कोई नहीं बचेगा, मैं बचूंगा कि नहीं मेरे को वो खुद को नहीं पता भाई, मतलब नहीं भाई अभी रेक्यूसा को मैं भी लुकाजो का स्पीड उससे ज़्यादा हो जाए मेगा इवॉल्व होने के बाद, चांसेस कम है क्योंकि मेगा रेक्यूसा बहुत ज़्यादा स्पीडर पोकेमोन है एंड उसने अपनी स्पीड बढ़ाई भी है अटैक करके, तो चांसेस कम है भाई,
क्योंकि मेगा इवोल्व बोला था ना चांसेस कम है, नहीं है भाई, मेगा रेक्यूजा की स्पीड सबसे ज़्यादा, वो नहीं बचने देगा, टिकने नहीं देगा भाई मेरे एक भी पोकेमोन को। तो अभी भाई यहाँ पे स्लो में बैटल करके कुछ मतलब नहीं, सब धुलने वाले अच्छे से कचरे के माफिक। मेरे को लगा था मैं जीत जाऊँ फिर से उसमें, अटैक मार दे, 1 हिट हो जा, 1 हिट हो जा, ब्लेजर से होना चाहिए इसको फेंट। ओपी भाई लोग ओपी। हस मेगा रिक्वेस्ट अपन ने फेंट कर दिया ऐसे तैसे करके, भाई मज़ा आ गया भाई। अभी भी अपन जीत सकते, वी हैव द रिवाइव्स। पहले गार्चॉम को बुलाते क्योंकि गार्चॉम इट्स अमेजिंग मैन, मेरी टीम में सबसे ज़्यादा खतरनाक अटैक गार्चॉम ही मारता है। अरे यार क्या यार चैम्पियन यार भाई, अटैक स्पीड ये भी बढ़ा रही भाई, कोई बात नहीं। अभी मैक्स पोशन है ना, चलो ठीक है, मेरे को सुपर पोशन लगा वो, उसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही क्या बोलते हैं इसको, मेगा बोल तो बर्बाद हो गया है, तो अब नहीं कर सकते शायद अपन मेगा एवोल्यूशन, शायद से नहीं होगा अभी मेगा एवोल्यूशन भाई। बट फिर भी मैं टोगी की उसको बलि का बकरा बना के लुकारी को भी बुलाना चाहूँगा भाई। अब मेरे को लगता नहीं कि मैं मेगा बोल कर पाऊँगा, पता नहीं जो होगा देखा जाएगा भाई, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। अरे मत कर ड्रैगन डांस, मेरे पास इसके लिए एक तगड़ा पोकेमोन है इलेक्ट्रिक टाइप, उसको भेजू क्या? अब भेज ही देते भाई। मतलब चैंपियन सिंथिया पहले ही पोकेमोन भाई, मेरे को ये बात पता थी कि उसके पास मेगा रिक्वेस्ट होगा, आप लोग ने बता दिया था कमेंट करके, बट फिर भी यार इतना ज़्यादा ओपी कैसे? मेगा रिक्वेस्ट तो ओपी होता है बट भाई काफ़ी गंदा काम कर दिया भाई उसने भाई। अरे नहीं यार एक साथ दो अटैक मार दिया उसने, ये तो हो नहीं था वैसे, थंडर से ही 1 हिट होना चाहिए भाई, अगर नहीं हुआ ना तो फिर समझ जाना गेम में गड़बड़े, समझ जाना भाई। मतलब वाटर टाइप है यार वो, प्योर वाटर टाइप है, अपन सबसे खतरनाक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक मार रहे फिर भी 1 हिट नहीं हुआ, गेम में गड़बड़े भाई, कुछ तो कुछ गड़बड़े भाई। मेरे को लगता है ना प्रोग्रामिंग में गड़बड़े, मेरे को ठीक करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग को, इसको भाई रीप्रोग्राम करना पड़ेगा गेम को। अरे भैया सिंथिया यू आर अ वेरी गुड चैम्पियन, आपको ये सब हरकतें शोभा नहीं देती, ये हमारे जैसे नल्ले लोग करते, आप जैसे प्रो लोग नहीं करते यार, कोई समझाए यार उसको, ये काम हमारे जैसे नल्ले लोग का, क्या बोलते हैं कहीं सपोर्ट करते हो ना मेरे को आप लोग, ये हमारे जैसे नल्ले लोग का काम है कि नहीं, ये चैंपियन लोग क्यों करते यार, गलत काम करते भाई वो लोग, ये इसका हक सिर्फ हमको होता है भाई, हम ट्रेनर लोग को भाई, वो लोग को नहीं करना चाहिए भाई, वो लोग चैंपियन है भाई, चैंपियन समझ लो, इतने बड़े लेवल पे पहुंच के ऐसा गंदा हरकत करते यार, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई, ये सिर्फ मैं करता हूँ ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बाकी कोई करता ना मेरे को बहुत बुरा लगता है, सच बता रहा हूँ मैं, दिल टूटता है यार। उनकी फीलिंग्स नहीं है ना भाई, वो लोग गेम में हैं, पता नहीं भाई उनकी फीलिंग्स है कि नहीं, प्रोग्रामिंग में उनको फीलिंग्स दी गई है कि नहीं, आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो नहीं दी गई होगी, बट पता नहीं भाई कुछ भी हो सकता है। वो लोग को भी बुरा लगता होगा ना जब मैं ऐसा रिवाइव यूज़ करता हूँ, मैंने 2-3 रिवाइव किया आज की वीडियो में यूज़, वो भी सिंथिया के सामने ही, तो उसको भी भाई बुरा लगा होगा, तो उसने बदला ले लिया। होता होगा भाई, पता नहीं, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होता। फिर भी लुका स्पीड काफ़ी ओपी है इसकी, पता है ये लो। अरे कोई तो बच जाओ, वैसे लुका यू ना टोगी किस के सामने भी नहीं टिकेगा, ग्लाइसोर के सामने भी नहीं टिकेगा, बिकॉज दोनों भी फ्लाइंग टाइप है, टोगी किस तो फेरी भी है। अब मैं शॉर्ट डांस करूँगा, मेरे को भी अटैक बढ़ाने, मैं बढ़ाऊँगा अपना अटैक चुटकी बजा के, सापली अटैक रोज आप बता, और अस फिर मारते हैं तेरे को बता दो, रुक बहुत चर्बी चढ़ी है ना, फेंट मत हो जाना भी कहीं गलती से, जोश जोश में ओके। आप बता दो एक्रोबैटिक्स की पावर देखो तुम लोग, एक्रोबैटिक्स पढ़ा लुकारी 1 हिट होगा मतलब होगा, अभी मैंने अपने अटैक बढ़ाई है भाई, अब नहीं होगा तो फिर पक्का गेम में कुछ ना कुछ 100% गेम में गड़बड़े भाई, 100% गेम में गड़बड़े, मेरे को पता है लुकारी स्टील टाइप है, फिर भी वो 100% गेम में गड़बड़े भाई, फिर भी 100% गेम में गड़बड़ है मतलब है। अबे मेरा अटैक मिस हो गया क्या? अच्छा नहीं, पहला हिट मेरे को मिला है, चलो बढ़िया है, हो गया फेंट, मेरे को फेंट करने से मतलब है भाई। ग्लाइसगोर ने अपना काम कर दिया, शाबाश ग्लाइसगोर शाबाश, बहुत बढ़िया मेगा गाड़ी मोर। अबे क्या क्या है इसके पास, सही टाइम पे फ्लाई पड़ गया, इसका अटैक मिस और ये बूम बाम हो जाएगा, अच्छा वाला डैमेज पड़े, होगा ये पता है मेरे को, होना ही था भाई इसके तो, इसकी तो लिखा ही था भाई, मैंने खुद ही बोल दिया था तो होना ही था, इलेक्टिवार फेंट हो गया, उसके पास एक पॉइजन टाइप अटैक था ना भाई, वो खुद ही नहीं है तो भी अटैक क्या करेंगे भाई अपन, अर्थ को एक मार के दिखते। अरे यार फुल रिस्टोर, गजब गजब लेवल की चीटिंग कर रही है सिंथिया यार,
सिंथिया को ये सब शोभा नहीं देता यार, वो इतनी बड़ी चैंपियन है यार, कैसे शोभा देता यार, मतलब गलत बात है ना यार, बुरा लगता है कि नहीं यार? बुरा लगता है, अपन करते तो मज़ा आता है भाई वो लोग करते तो बुरा लगता है भाई। अबे यार ये पैरालाइज वगैरह ना बहुत गंदा करते लोग, अबे मारो थप्पड़ मारो, वाह इतना तगड़ा डैमेज दिया, इतना तगड़ा डैमेज दिया कि संजू भाई हिल गए भाई, हिलना ही था भाई, इतना खतरनाक डैमेज देगा तो हिलना ही पड़ेगा। 1 HP डैमेज भाई, 1 HP डैमेज बताओ, कोई भी हिल जाएगा ना भाई। अबे मारियो पटक के धोइयो मेगा गाड़ी और को भाई, इसके पास मेगा रिक्विजा था, मेगा गाड़ी और अभी फिलहाल चल रही है, गार्चॉम भी उसको मेगा वॉल नहीं करना क्या इसको? पता नहीं कुछ भी कर सकती है सन की ट्रेनर क्या? सन की तो नहीं है भाई सिंथिया, इतना तो मेरे को भी पता है, सिंथिया इज़ नॉट सन की ट्रेनर, सी इज़ प्रिटी ब्यूटीफुल, प्रिटी गुड, प्रिटी स्ट्रॉन्ग एंड सबसे ज़्यादा खतरनाक भी बोल सकते इसको, बट मैं क्यों बोलूँ? लुका गाड़ीवर को कैसे हरा सकता है? गाड़ीवर से साइकिक टाइप, लुकारी से फाइटिंग टाइप, चांस ही नहीं है भाई। आई थिंक मेरे को ना सर्फ मारना चाहिए, प्लस कॉम्बैट फाइटिंग टाइप कहाँ पड़ेगा भाई, सर्फ ही मार के ट्राई करता हूँ। लुकारी की स्पीड वैसे ज़्यादा है भाई, देख रहे हो गाड़ी मेगा गाड़ीवर की स्पीड से ज़्यादा लुकारी की स्पीड है। ओके मस्ट रिचार्ज, इस बार अर्थ को एक चेप देता हूँ भाई, चेप दे लुकारी, चेप दे इसको अच्छे से, चेप दे, छोड़ना नहीं, काट डाल इसको, फोड़ डाल, फोड़ डाल, ओपी लुकारी ओपी, दिल खुश कर देता भाई तूने तो, बहुत बढ़िया मेगा गार्चॉम। अबे चैंपियनों के रूल्स नहीं पता, एक बंदा एक बैटल में सिर्फ कितने कर सकता है भाई, सिर्फ एक मेगा एवोल्यूशन यूज कर सकता है, इसने तीन तीन किए भे, मेरे को क्यों नहीं ऐसा चांस मिल रहा भाई? मैंने एक किया वो भी बेचारा फेंट हो गया, तो उसको भी दोबारा मैं मेगा इवॉल्व नहीं कर सकता, और ये लोग तीन तीन घुसाए बैठे, मेरे साथ ही सब गलत काम होगा भाई, स्पेशल डिफेंस और डिफेंस दोनों भी कम हो गए। अर्थक्वेक ये तो गया भाई, लुका तो जाएगा भाई, इसकी तो गारंटी है, बचेगा सिर्फ अपने पास सिर्फ गार्चॉम्प, अब मेगा गार्चॉम्प वर्सेस गार्चॉम्प होगा तो फिर अपनी हालत ख़राब होगी भाई, अगर उसने एक ड्रैगन टाइप भी अटैक मार दिया तो अपन फुट फाट ख़त्म। ड्रैगन क्लॉ अच्छा मेरा ही लगा ना, अच्छा ठीक है ये तो जाना चाहिए भाई, वैसे मेगा इवॉल्व तो चांसेस कम है, बट फिर भी ड्रैगन तो है ना, ड्रैगन ड्रैगन को मारता है और भाई क्रिटिकल हिट पड़ गया, ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बट स्टिल स्टिल सिंथिया हैज़ वन पोकेमॉन लेफ्ट, कौन सा है ये, कौन सा है, कोई नल्लू, व्हाट भाई टाकरा है, उन्होंने तो ग्रेटेस्ट पोकेमॉन एवर भाई, ग्रेटेस्ट, खतरनाक भाई खतरनाक। अब यार हिप्नोसिस खत्म है यार, अभी तो अपन अगर गार्चॉम्प उठा नहीं ना मैच गया भाई अपने हाथ से, अब वो ड्रीम ईटर मारेगा भाई, खत्म है अपन, गजब। वैसे इसको फाइटिंग टाइप अटैक से काफ़ी प्रॉब्लम होगी, डार्क टाइप है ना, नास्टी प्लॉट, अबे यार गलत काम कर रहा भाई, गलत काम कर रहा भाई, नास्टी प्लॉट भाई ओपी भाई, स्पेशल अटैक बढ़ा लिया बंदे ने, अब उसका एक अटैक ना ढेर कर देगा भाई अपन को, सच बता रहा हूँ भाई, ख़त्म हो जाएंगे अपन फिर से, नास्टी प्लॉट नहीं भाई, अबे उठ जा गार्चॉम्प, कितना सोएगा भाई, मेरे पोकेमॉन निहायत ही कमीन है भाई, इतना खतरनाक सोते ना, अगर वही काम ना अगर सामने वाले पोकेमॉन करेंगे ना तो वो लोग एक झटके में उड़ जाएंगे, मेरे पोकेमॉन इतने गए गुजरे ना भाई, इनको शर्म भी नहीं आती बेशर्मों को। अब उठ रहा है भाई, फेंट कर, वन हिट, हो जा, कहाँ से होगा बे, वो अपोनेंट का पोकेमॉन, मेरे पोकेमॉन होंगे वन हिट, क्या गंदा गेम है यार। अबे चीटिंग बाजी करना क्यों चाहते, लुकारी की स्पीड ज़्यादा होती ना, नहीं होती, खत्म है मैं तो, मत फेंटो ना प्लीज़ बड़ी, हार गए, नेले पे दहला, खत्म हो गए रे बाबा, ख़त्म है भाई अपन ख़त्म है, मैं कितना ज़्यादा खुश था कि जीत जाऊँगा भाई, पूरा प्लान चौपट हो गया, पूरा गुड़ गोबर हो गया, छे 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 वो बिड़े बन गया भाई, मैं आत्माराम तुकाराम बिड़े, छे 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 पूरा मैच बिगड़ेगा, इस बार पहले नंबर पे रखेंगे, अब फास्ट में बैटल करेंगे, स्लो में हो गया आटा गुल, अब अपन भाई अब अपनी इज्जत बचाएंगे, फास्ट में हराएंगे, लेट मी डिस्ट्रॉय सिंथिया इन 1 मिनट सेकंड नहीं बोल सकता भाई, उसका मेगा गार्चॉम, मेगा गार्डिवोरस, मेगा रिक्यूजासोरस सब कितने ओपी यार, कैसे हरा सकता हूँ भाई उनको मैं 1 सेकंड में या फिर 30 सेकंड में, कैसे यार, मैं कैसे सोच भी नहीं सकता भाई, मैं लगभग लगभग जीत गया था, मेरा दिमाग घुटनों में आ गया था भाई, मेरे को वहाँ पे ना थोड़ा यूज़ करना चाहिए था पोशन वगैरह, बट
कोई बात नहीं, होता है। मेरे को लगा था कि लुकारो की स्पीड ज़्यादा होगी, बट डाकरा है इस टू ओपी मैन। ऐसे इसके पास दो लेजेंडरी है, दो तीन मेगा एवोल्यूशन, एक लेजेंडरी और एक मेगा एवोल्यूशन। क्या है क्या भाई इसके पास, गजब ट्रेनर है यार, गजब टोपी बाज इंसान है भाई। इतना चिटिंग करती है चैंपियन होके। गार्चोम धो डाल बेस को। अच्छा ये सेल्फ स्मैश करता है, वन हिट कर दे भाई, मज़ा आ जाएगा। अगर हो गया ना वन हिट, मज़ा आ जाएगा ड्रैगन क्लॉ से। ये बहुत परेशान किया भाई इसने पिछली बार। अरे वन हिट भैया भैया भैया, गार्चोम ये भी वन हिट हो जाना चाहिए भाई। क्रिटिकल पड़ जा, क्रिटिकल पड़ जा, हो जा हो जा। ये नहीं हुआ, ड्रैगन डांस अब तो जाएगा, ये ख़त्म ही है। तो कर ले फुल रिस्टोर, जितना दम है सब लगा दे सिंह। आज तो तेरे को धोड़ डालूंगा मैं। आत्ता माजी सटक ली रे, अब मेरे पोकेमॉन की खनक चुकी है दिमाग। अरे नहीं गार्चोम, फेंड नहीं फेंड नहीं फेंड नहीं। खुश हो गया था फिर से ज़्यादा, यही होता है ज़्यादा खुशी के आंसू रोने का। अरे वैसे इसको एक हिट चाहिए बस, लिजड़ी मारूंगा मैं। अरे नहीं भाई, व्हाट द भाई साहब, अटैक मिस। अबे सुधर जाओ बे, सुधर जाओ मेरे पोकेमॉन से, तुम लोग सुधर जाओ। क्या तुम लोग को कौन सा नशा करके बैठे हो बे, सस्ते नशे ही फूकते हो क्या? मेरे को पता है मैं गरीब हूँ, बट फिर भी यार तुम लोग सस्ते नशे मत फूका करो। तुम लोग मेरे को बोलो, मैं तुमको महंगा वाला ला के देगा। बस तुम लोग ऐसा गंदा हरकत नहीं करने का, अच्छा हरकत करने का, जीतने का जीतने का, वन हिट नहीं होने का, वन हिट करने का। समझ में आया, मोटिवेट कर रहा हूँ तुमको, समझ नहीं भी फेंड नहीं होना इलेक्ट्रिक। बहुत बढ़िया, ऐसे पोखेन चाहिए मेरी टीम में, ऐसे इलेक्ट्रिक वायर जैसे। वो लुकारियो जैसे नहीं आया, चले गया अटैक खा के यार, दिमाग ख़राब कर दिया बंदे ने फालते में अपना। अबे यार मतलब होता है यार, ऐसा क्यों किया भाई लुकारियो ने, उसको क्या समझ में नहीं आया क्या कुछ? हाँ नहीं तो यार, और स्पेयर पड़ गया गंदा वाला। चलो कोई बात नहीं, होता है। अब आ यार फिर से फुल रिस्टोर क्यों किया? एक्रोबेटिक्स में भी शॉर्ट डांस करके अपना बढ़ा। अबे कोई बात नहीं, अब ये वन हिट हो सकता। अरे नहीं मत होना मत होना मत होना, ऐसे पोकेमॉन बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को जो वन हिट हो जाते हैं, खतरनाक लोग हैं। मैं काम करता हूँ, अब मेगा एवोल्यूशन तो बचा ही हुआ है, अर्थक्वेक फोड़ देता हूँ भाई अभी। मैं ये मेरे को लगता है मैं गया इस बार। अबे ये क्या मेगा लुकारियो की स्पीड लुकारियो से कम है? कौन से दुनिया में जी रहे हैं भाई ये लोग? अबे होश में तो हो, धो दे टोगी किस, धो दे आज तो तू, दिल खुश कर दे मेरा। रे 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 रे, अबे कौन से दुनिया में जी रहे यार ये लोग? मेगा लुकारियो की स्पीड लुकारियो से कम है, व्हाट द हेल मैन, क्या 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 इंसान है भाई ये लोग। इतना बड़ा एल लगा दिए भाई अपनी, हट बे, नहीं खेलना गेम मेरे को, डिलीट करो अभी के अभी, नहीं खेलूँगा, कंप्लीट करूँगा, टेंशन नहीं लेने का तुम लोग। संजू भाई तुम बोलते ना मजाक मस्ती, बूम हार जाओ फिर से। हार जाओ संजू भाई, मत जीतो ये गेम, मत जीतो तुम, डोंट बिकम चैम्पियन गेम, तुमको चैम्पियन बनता हुआ नहीं देखना चाहता। मेरे को पता है भाई, मेरे को पता है, किसी की बद्दुआ लगी है मेरे को, किसकी लगी है वो ही जाने भाई, किसी ना किसी की बद्दुआ लगी है। अरे वाह फ्लोटजेल ओपी निकला बे, अभी भी जीत सकते हैं, बट मैक्स रिवाइव वो तो नहीं है। वो नहीं है मैक्स रिपेल है, मैक्स रिपेल कुछ काम नहीं करेगा। हाय मैक्स रिवाइव है, एक है इलेक्ट्रिक और जिता सकते हैं, उसके पास पॉइजन है बेटा। अरे नहीं नहीं खत्म है बे, मैक्स रिवाइव भी बर्बाद हो जाएगा। मेरे को लगता है ना मैं गया आज। स्लज बॉम्ब मारेंगे, ये फेंट होनी चाहिए, फेरी टाइप है ना, अच्छा डैमेज पड़ा है, पॉइजन भी हो गया एक नंबर, सोने पे सुहागा बोलते ना वो हो गया, ड्रेन की नहीं फेंट हो जानी चाहिए भाई, मैं नहीं पे वो फेंट हो जाना चाहिए। स्लज बॉम्ब पॉइजन से पूरा जा प्लीज। अबे यार हट 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 हट, टकला फोड़ दूंगा मैं, खुद का ही फोड़ लूंगा अबे। नहीं नो वन एच पी। अरे यार स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे, चैंपियन सिंथिया ओपी निकली यार। अबे तो चीटिंग कर रही है यार, तीन तीन मेगा एवोल्यूशन कौन रखता है अभी एक मैच में यार, वक्त ऐसा थोड़ी होता है अबे, दो बार हार गया। हार्डेस्ट चैंपियन बैटल हो गया भाई, बहुत खतरनाक। स्ट्रैटेजी में थोड़ी बॉडी चेंजेस की है भाई मैंने, मतलब हल्का सा बस एक ही चेंज हुआ है, और अब होगा मेगा वर्सेस मेगा, वो भी ओपी वाला, ओपी मेगा रिक्वेस्ट वर्सेस मेगा गार्चोम। हो जाए बे, अबे
ये क्या है बे, जब अच्छा उसने पहले सेल स्मैश किया था। ओ माय गॉड, अबे कोई मुझे चिमटी काटी तो थोड़ा भाई, मैं पगला गया हूँ क्या? नहीं एक बात बताओ तुम, एक बात बताओ, जब वो बंदा मतलब मेगा गार्चम जब मेगा इवॉल्व नहीं रहता है तो उसके अटैक्स ज़्यादा डैमेज देते हैं। और अच्छा मैंने उसको ड्रैगन फैंग दिया था जिससे ड्रैगन टाइप अटैक बूस्ट होते हैं, हाँ वो उसकी वजह से शायद। नहीं भाई हद है यार, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इसका, ये बंदा ले जाएगा हमको। अच्छा फ्लोरजल की स्पीड ये देखो, फ्लोरजल की स्पीड लिटरली मेगा गार्चम से ज़्यादा है। अब ये वाटर टाइप होते हुए भी इसमें फेंट नहीं हुआ, ओके बहुत बढ़िया, मेरे को लगा था जाएगा बट नहीं गया, बहुत बढ़िया फ्लोरजल, लव यू ब्रो, लव यू, ऐसे काम करते रहो। लुका को भी ले जा भाई, तू ले जा, तू ही ले जा सकता है, एक तू ही मर दे भाई इस टीम में, बाकी सब गए ले। चल तूने बहुत अच्छा काम किया भाई सच में, आई अप्रिशिएट यू ब्रो, रियली अप्रिशिएटेड। हैशटैग ओपी, ओपी हो जाए भाई उसके लिए, ओपी ओपी फ्लोरजल भाई, काफ़ी अच्छा काम किया, गंदा नहीं भी अच्छा काम किया। मतलब देख रहे हो उसने बड़े बड़े पोकेमॉन को फेंट कर दिया जिसको अच्छे अच्छे नहीं कर पा रहे थे, अच्छा लगा भाई देख के। एक्रोबेटिक्स स्पैम करते रहूँगा मैं अभी, नहीं स्पैम नहीं करूँगा, हद दे भाई, ये भी जाने वाले नहीं है भाई, मेरे को थंडर का डाउट है कि मिस होगा पर फिर भी मैं वही ट्राई करूँगा। ओके लग गया, वन इट वन इट वन इट वन इट वन इट, ओ बे यार जस्ट, यार जस्ट बच, ये ना पक्का बोलता हूँ फुल रिस्टोर यूज़ करेगी गारंटी, ले ले भाई ले, जो बोला वही हुआ। ओके ओके ओके, अरे यार कोई बात नहीं अभी भी चांसेस, अरे ड्रैगन टिप किधर से स्पीड बूस्ट हो जाता है भाई, इनका पता नहीं चलता मेरे को। अब चलो ठीक है, ओके स्लज बॉम्ब, हाइपर बीम वन हिट मत होना प्रो प्लीज प्लीज। अबे क्यों बे, क्या सस्ता लगांजा फूकिया है बे, हद है यार ऐसा थोड़ी होता है, वन हिट क्यों बार बार, वन इट ओके, वी हैव द पावर टू विन द मैच। ये ले भैया क्लोज कमेंट पड़ा ना तो ये वन इट हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। बूम यो, दो बार हारने के बाद तीसरी बार में फोड़ डाला, इस बार तो भाई मज्जे आ गए। फ्लोरजल ने ओपी काम किया भाई, मैं बता रहा हूँ, फ्लोरजल नहीं होता ना तो अपन गंदा वाला फिर पड़ जाते भाई। फाइनली अपन ने चैंपियंस इंटेक करा दिया भाई, बहुत खतरनाक निकली है भाई, ये तो पैंट फाड़ी के रख दिया भाई चैंपियंस इंटेक ने भाई, लिटरली भाई दो बार धो डाला, तीसरी बार अगर फ्लोरजल नहीं है तो पक्का हार जाते भाई। उसने दो पोकेमॉन को निपटा दिया भाई, सच बता रहा हूँ, दो पोकेमॉन को गंदा वाला भाई। ओके अबे चैंपियंस इंटेक हार के गायब और मैं इधर का इधर ही हूँ, व्हाट द हेल, गेम ना रिस्टार्ट हुआ ना गेम ऑटोमेटिक सेव हुआ, ये क्या हो गया अबे, पता नहीं क्या हुआ भाई, मेरे को नहीं मालूम भाई, जो भी हुआ यहाँ से सब बंदे भी गायब हो गए, अभी एक भी नहीं बचा, मेरे को लगता है गेम ख़त्म हो गया अभी, नहीं लेजेंड एंडिंग बची होगी इस गेम के अंदर, लेजेंड एंडिंग है कि नहीं मेरे को पता नहीं, आप लोग से उम्मीद है आप लोग कमेंट करके बताओगे उनका लोकेशन अगर आप लोग को पता होगा, वैसे सबको तो पता भी नहीं होगा ना, कोई बात नहीं जिसको जिसको पता है वो बता दो और जिसको जिसको नहीं पता वो क्या ही बताएगा भाई। ये कहाँ पे अपन, ब्लू शाइन अपन यहाँ पे थे ना इसके अंदर, गुडविन टाउन के अंदर थिंक सो, हाँ इधर ही थे शायद शायद, मेरे को ये भी ठीक से याद नहीं अपन कौन से सिटी में भटक रहे थे, मतलब यही था ना शायद, हाँ यही टाउन था भाई। ओके भाई लोग और उनकी बहन लोग और मेरी भी बहन लोग, सब लोग सुन लो अच्छे से, अच्छे से सुन लो, आज के अपने मैच के हीरो है फ्लोरजल, तालियां हो जाए इसके लिए, फ्लोरजल यू आर टू ओपी मैन, बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तू नहीं होता तो मैं फिर हार जाता भाई, दो बार तो हार ही गया था लगातार, तीसरी बार भी भाई डब्बा गोल हो जाता, बट तीसरी बार आप लोग जीत गए भाई, बहुत ही मज़ा आया। एंड आज के इस वीडियो में भाई आप लोग ने फाइनल चिंत्या को भी हरा दिया जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी भाई, मेगा रिक्योजा मेगा गार्चम मेगा, उसका नाम क्या था भाई, गाड़ी वॉर, हाँ मेगा गाड़ी वॉर, तीन तीन मेगा विल्यूशन डाक राय, अबे लुकारियो माइलोटिक, कौन सा ऐसा पोकेमॉन जो उसके पास खतरनाक नहीं था, मेरे को ये बताओ, सबके सब एक से एक बढ़ के पोकेमॉन थे, तीन मेगा एवोल्यूशन एक बैटल में, चैंपियन होके उसको रूल्स नहीं पता, क्या कर सकते भाई, सब चीटिंग करते ही है, कितने भी बड़े हो जाए चीटिंग थोड़ी छोड़ता है कोई। चलो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग ने भाई दो बार हार के उसको हराया तो भी हराया ना भाई, हार के जीतने वाले को संजू भाई बोलते हैं, नहीं पता तो सुन लो सभी लोग कान फाड़ के, सुन लिया ना, हाँ हार के जीतने वाले को संजू भाई बोलते हैं, अच्छे से याद रखना।
बाकी भाई लोग आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग को मेरे को बता देना, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया हार के भी और जीत के भी। तो आई होप आप लोग को भी भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आज की इस वीडियो में। अपन लोग बन चुके हैं फाइनल चैंपियन पोकेमॉन ब्लू स्टार्स 2 के, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सच में बता रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए सभी लोग को, मतलब आज की इस वीडियो के ऊपर सभी लोग को लाइक करना है, और जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे को पता है ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पैसे नहीं देने पड़ते आपको, ना ही मेरे को मिलते सब्सक्राइब करने के, तो क्यों कंजूसी कर रहे हो, ठोको सब्सक्राइब। और मिलेंगे कल नई वीडियो में, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे मिलोगे यार, सब्सक्राइब कर लो तो ही तो मिल पाएंगे। बाकी अभी के लिए बाय बाय आप सभी को गाइस, एंड हैव अ गुड डे।